हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज की इस सीरीज़ में आज हम देखेंगे हमारा एक प्रोग्राम जो कि इफ एल्स स्टेटमेंट्स जो मैंने अपने थ्योरी पार्ट में पढ़ाई है उस पर डिपेंडेंट रहेगा। उसमें हम देखेंगे चेक वेदर द नंबर इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव इन सी लैंग्वेज। हम एक नंबर लेंगे, हम देखेंगे वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हम देखेंगे सी लैंग्वेज से। ओके, सो आज की प्रोग्रामिंग में हमारा ये रहेगा। मैंने लिखा जैसे हैश इंक्लूड, एक हेडर फाइल ली मैंने stdio.h नाम की, जिसके अंदर आपके प्रिंट एफ फंक्शन स्कैन एफ फंक्शन डिक्लेयर हैं ऑलरेडी। उसके बाद मैं ले रहा हूँ हैश इंक्लूड conio.h, जिसके अंदर आपका गेट सी एच फंक्शन क्लियर स्कैन फंक्शन पहले से डिक्लेयर है। उस पर मैंने लिखा एक फंक्शन मेन फंक्शन, जो कि जब भी प्रोग्राम आपका रन होगा सबसे पहले मेन फंक्शन चलेगा। सो उसके मैंने लगाया मेन फंक्शन के ब्रैकेट्स। उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, एक यूज़र से नंबर लेना चाहता हूँ, उसके बाद वो चेक करूँगा मैं कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए दिस नंबर इज़ पॉजिटिव, एल्स में क्या हो जाए कि वो नेगेटिव अगर पॉजिटिव नंबर नहीं है। मैंने लिया इंट ए, यूज़र से नंबर एंटर कराऊँगा, जैसे मैंने लिखा प्रिंट एफ एंटर द नंबर, इससे क्या करेगा स्क्रीन पे ऐसा का ऐसा प्रिंट हो जाएगा। ओके, उसके बाद मैंने लिखा स्कैन एप फंक्शन, जो कि जिससे यूज़र एक वैल्यू डाल पाएगा इंट वैल्यू, अगर मैंने इंटीजर टाइप कर लिया तो वो इंट वैल्यू डाल पाएगा। तो मैंने लिखा एड्रेस ऑफ ए। अगर आपको स्कैन एप फंक्शन प्रिंट एप फंक्शन समझ नहीं आया है तो आप मेरे थ्योरी के लेक्चर्स में देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने अच्छे से क्लियर करके समझाए हैं, इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे सी प्रोग्रामिंग के नाम से। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ जैसे इफ स्टेटमेंट, अगर आपने नहीं समझी है पहले तो आप वो भी समझ लीजिए मेरे थ्योरी के लेक्चर में, उससे आपका ये लिंक है वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और मैंने लिखा यहाँ पर कंडीशन आएगी, ओके कंडीशन हम पहले देखते हैं, तो प्रिंट क्या हो जाए यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए आपका पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव कब होगा, जब ए की वैल्यू क्या होगी, ए आपका जैसे 0, 1, 2 और भी बहुत सारे हो जाए जैसे, ओके आपका चल जाए इन इन्फिनिटी तक चल जाए तो वो पॉजिटिव होगा, मतलब 0 से बड़ा। सो यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी, ए ग्रेटर देन 0। आप 1 को भी पॉजिटिव ही कंसीडर कर सकते हैं, सो मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दिया। ओके, यहाँ 1 को पॉजिटिव नहीं करना तो एक अलग सी कंडीशन आ जाएगी उसके लिए। सो मैंने क्या लिखना है, परसेंट डी इज पॉजिटिव नंबर, मैंने ये लिख दिया है। और अगर वो नहीं है, 0 से बड़ा नहीं है या 0 नहीं है तो क्या प्रिंट करना चाहता हूँ मैं, एल्स बॉक्स में मैंने लिख दिया प्रिंट एफ। परसेंट डी बस, अच्छा मैंने यहाँ पे परसेंट डी लगाया तो ब्रैकेट्स के बाद मेरे को वो वैल्यू लिखनी पड़ेगी, जैसे ए वेरिएबल लिख दिया मैंने, परसेंट डी इस Not a positive number। So मैंने उसके बाद लिख दिया मैंने a। उसके बाद मैं अपने प्रोग्राम में वो फंक्शन लगा देता हूँ क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच फंक्शन, जिससे कि क्लियर स्क्रीन से आपका आउटपुट स्क्रीन जो प्रीवियस आउटपुट है वो क्लियर हो जाएंगे। एंड गेट सी एच फंक्शन एक यूजर से एक करेक्टर वैल्यू लेगा उसके बाद, जो कि एक सेकेंड के लिए आउटपुट स्क्रीन होल्ड करके रख सकता है। सो बेसिकली आपका हुआ क्या, ये होते हैं जो आपने ये लिखा, ये लॉजिक होता है आपका, लॉजिक आपने बिल्ड करने होते हैं। जैसे कि पॉजिटिव नंबर क्या होगा, ए से बड़ा, ये जो आपने नंबर डाला अगर वो 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा, नहीं तो नेगेटिव होगा। जो आपने इसके अंदर लिखा, जैसे मैंने ये लिखा, ये आपके लॉजिक्स होते हैं, ये आपने खुद से बनाने होते हैं, जैसे कि हम आगे भी काफ़ी सारे प्रोग्राम बनाएंगे
उसमें हमने तैयार करने ये लॉजिक्स। बेसिकली आपके प्रोग्रामिंग तो आपका ये जो लैंग्वेज हो गई है जो आपने लिखी, ये तो लैंग्वेज है। अगर आपने लॉजिक को इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो लॉजिक कैसे तैयार होंगे आपके, ये इससे पता चल रहा है। जो आपने ये लॉजिक आपका खुद के दिमाग से लगेंगे, खुद के जो आपको समझ है कि पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं, कि जो कि ज़ीरो से बड़े हों वो पॉजिटिव। मैंने इस केस में ज़ीरो को भी पॉजिटिव कंसिडर किया है, और ज़ीरो से छोटे होंगे वो आपके नेगेटिव नंबर्स होंगे, इसलिए हमने पॉजिटिव चेक करना था कि वो है या नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे मैं नॉट लिखा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इज़ ए नेगेटिव नंबर लिख देता हूँ, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं लिख दिया नेगेटिव नंबर। अब हम इस प्रोग्राम को रन करने लगेंगे। मैंने किया इस प्रोग्राम को रन, सो एंटर द नंबर, मैंने डाला 34। 34 इज़ अ पॉजिटिव नंबर। हुआ क्या, उसने सबसे पहले यहाँ तक तो समझ होगी, उसके बाद उसने क्या किया, चेक किया गया वो नंबर 0 से बड़ा है। जी हाँ, 34 0 से बड़ा है। इसके ब्लॉक में गया वो, उसने वैसे का वैसे प्रिंट कर दिया कि वो पॉजिटिव नंबर है। अब मैं एक बार फिर रन करना चाह रहा हूँ। मैंने डाला जैसे -65, इट इज़ ए नेगेटिव नंबर। ओके, उसने चेक किया कि वो पॉजिटिव नंबर है, नहीं है। अगर वो पॉजिटिव नंबर नहीं है तो कंट्रोल हमारा डायरेक्ट एल्स बॉक्स में चल जाए, यहाँ से इफ बॉक्स वाला तो कंपाइल ही ना हो, एल्स बॉक्स में चल जाए और वो प्रिंट हो जाए बाय डिफ़ॉल्ट। मैंने लिखा नेगेटिव नंबर तो नेगेटिव नंबर प्रिंट हो जाएगा। ओके, जैसे मैंने ज़ीरो कंसिडर किया है तो मैं जब रन करूँगा, अगर मैंने लिखा ज़ीरो तो वो भी पॉजिटिव नंबर के कंसिडर में, क्योंकि मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाया है। ओके, सो अगर आपको इफ एल्स स्टेटमेंट्स में कोई डाउट है तो आप मेरे थ्योरी लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको लगता है ये प्रोग्राम काफ़ी इंटरेस्टिंग था तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं।